आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे ये एक रॉयल फैमिली से आती है। इनकी फैमिली में सभी स्टार्स हैं और ये भी एक बहुत ही उम्दा एक्ट्रेस है। इसके साथ ही ये इंडस्ट्री की वो एक्ट्रेस हैं जो अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद बॉलीवुड में आई है। ये ऑक्सफोर्ड रिटर्न है। बात करेंगे बॉलीवुड की ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल एक्ट्रेस सोहा अली खान की। सोहा की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब ऑक्सफोर्ड रिटर्न सोहा ने की बैंक में जॉब, क्यों अपनी पहली ही फिल्म के बाद सोहा अली खान चली गई एक गहरे डिप्रेशन में, और कैसे बॉलीवुड का बैकग्राउंड होने के बावजूद, फैमिली में इतने स्टार्स होने के बावजूद सोहा अली खान है बॉलीवुड की एक अंडररेटेड एक्ट्रेस। सोहा अली खान की फैमिली को कौन नहीं जानता है। इनके फादर मंसूर अली खान पटौदी, जो खुद एक नवाब थे, साथ ही एक बहुत अच्छे क्रिकेटर भी थे, साथ ही उनकी मॉम बॉलीवुड की एक रेस्पेक्टेड एक्ट्रेस हैं। इसके अलावा इनकी मॉम ने बॉलीवुड में एक्ट्रेस की डेफिनेशन को चेंज किया था तब जब पहली बार उन्होंने बिकनी स्पॉट की थी, वरना इससे पहले बॉलीवुड फिल्मों में वैम्प्स ही बिकनी पहना करती थी। सोहा अली खान ने अपनी एक बुक में बताया है कि रविंद्रनाथ टैगोर उनके ग्रेट ग्रैंड अंकल है। सोहा अली खान अपनी फैमिली में सबसे छोटी हैं। उनकी एक बड़ी बहन है सबा अली खान, जो खुद एक ज्वेलरी डिजाइनर है। सैफ अली खान उनके भाई है। करीना कपूर जहां उनकी भाभी है, वहीं अगर बात करें अमृता सिंह की तो वो उनकी एक्स भाभी रह चुकी है। सारा अली खान जिन्होंने हाल ही में डेब्यू किया है, वो सोहा अली खान की नीस है। सोहा अली खान ने अपने स्कूल की पढ़ाई की है दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल से। इसके बाद वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चली गई, जहां से उन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री की पढ़ाई की, उसी बैलियल कॉलेज से जहां से उनके फादर और उनके ग्रैंडफादर ने पढ़ाई की थी। सोहा अली खान का कहना है कि उनकी फैमिली का कल्चर है इस कॉलेज से पढ़ना, और इसी के चलते उन्होंने इस कॉलेज में पढ़ के अपने फैमिली का एक रिचुअल पूरा किया। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपने मास्टर्स की डिग्री ली, और फिर उन्होंने वहीं पर फोर्ड फाउंडेशन में कुछ टाइम के लिए जॉब की। इसके बाद इंडिया आकर उन्होंने सिटी बैंक में जॉब करना शुरू कर दिया। सोहा अली खान पढ़ाई में अच्छी थी और वो अपने करियर को लेकर भी बहुत ज्यादा फोकस थी। इनफैक्ट उनके पेरेंट्स भी उनके इस डिसीजन से बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन सोहा अली खान जब सिटी बैंक में जॉब कर रही थी मुंबई में रहने के दौरान ही, तब उन्हें एक फिल्म ऑफर हुई। ये फिल्म उन्हें ऑफर की थी अमोल पालेकर ने। जी हाँ, अमोल पालेकर उस टाइम पहली फिल्म पर काम कर रहे थे और यही फिल्म अमोल पालेकर ने सोहा अली खान को ऑफर की थी। इस फिल्म की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी और सोहा अली खान को जब लग गया था कि फाइनली वो बॉलीवुड में लॉन्च होने जा रही है एज एन एक्ट्रेस, तो उन्होंने अपनी बैंक की जॉब छोड़ दी। सिटी बैंक में 1.5 साल तक सोहा अली खान ने जॉब की थी और फिल्म के लिए उन्होंने अपनी इस जॉब को ना कह दिया था। वो अपनी फिल्म की तैयारी कर ही रही थी कि तब अमोल पालेकर ने उन्हें बताया कि फिल्म में थोड़े चेंजेस हैं। अब फिल्म में शाहरुख खान और रानी मुखर्जी भी है। तो सोहा अली खान ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं इतने बड़े एक्टर्स के साथ काम करूंगी। तब अमोल पालेकर ने उन्हें बुरी खबर दी। उन्होंने कहा कि अब फिल्म में तुम नहीं हो। एक्चुअली हुआ यूं था कि फिल्म पहेली को इनिशियली तो नए चेहरों के साथ ही लॉन्च किया जा रहा था, बट शाहरुख खान ने जब इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी तो उन्हें इस फिल्म की स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि उन्होंने कहा मैं इस फिल्म में काम तो करूंगा ही, साथ ही इस फिल्म को प्रोड्यूस भी करूंगा। और जब शाहरुख खान प्रोड्यूसर बन गए तो फिर मर्जी तो प्रोड्यूसर की ही चलनी थी। यही कारण था कि तब शाहरुख खान के इस डिसीजन के कारण सोहा अली खान, जो अपनी जॉब छोड़ चुकी थी, वो बॉलीवुड में डेब्यू नहीं कर पाई थी। सोहा अली खान का कहना है कि उनके लिए बॉलीवुड में ये टाइम सबसे ज्यादा टफ टाइम था, क्योंकि वो जॉब छोड़ चुकी थी और उन्हें आदत हो गई थी अपने खर्चे पर जीवन चलाने की। यही कारण था कि बिना जॉब के मुंबई में सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था और उन्हें आदत नहीं थी घर से पैसे मंगवाने की। और तब सोहा अली खान को एक फिल्म ऑफर हुई जो उन्होंने साइन की सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। ये फिल्म थी शाहिद कपूर की दिल मांगे मोर, और इस फिल्म में उनके साथ दो और एक्ट्रेसेस थी, ट्यूलिप जोशी और आयशा टाकिया। क्योंकि सोहा अली खान इंडस्ट्री में नई थी, उन्हें समझ नहीं था कि रोल्स को कैसे सेलेक्ट किया जाता है। यही कारण था कि उन्होंने इस फिल्म में ऐसा रोल सेलेक्ट किया जो फिल्म में आगे तक नहीं जाता है, हीरोइन नहीं बन पाती है वो, और उनका रोल जल्द ही खत्म हो जाता है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई, और इसके साथ ही सोहा अली खान का कहना है ये फिल्म उनकी लाइफ की
सबसे बड़ी गलती थी और तब उन्हें अपने फ्लैट का रेंट भरना था, यही कारण था कि उन्होंने इस फिल्म को साइन किया था। सोहा अली खान एक फिल्मी बैकग्राउंड से होने के बावजूद इंडस्ट्री में ऐसे आई थी जैसे उनका कोई सपोर्ट ही नहीं हो, यही कारण था कि उन्होंने अपने करियर के इनिशियल स्टेज में इस तरह की गलतियां की। सोहा अली खान का कहना है कि एक स्टार किड होने के बावजूद उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि वो जॉब छोड़ती हैं और उन्हें वो फिल्म नहीं मिल पाती है, तो वो शिकायत क्या करे। अगर इंडस्ट्री का कोई आउटसाइडर होता तो वो फिर भी ये शिकायत कर सकता था कि हम आउटसाइडर हैं इसीलिए हमारे साथ इस तरह का सलूक किया गया है। लेकिन सोहा अली खान तो खुद शर्मिला टैगोर की बेटी है, इसके अलावा सैफ अली खान उनके भाई है, उसके बावजूद उनके साथ जब ऐसा इंसिडेंट होता है तो वाकई में हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस इंडस्ट्री में कुछ भी हो सकता है। वैसे सोहा अली खान की दिल मांगे मोर पहली फिल्म नहीं है, इसके पहले वो एक बंगाली फिल्म कर चुकी है। साथ ही अगर बात करें इंडस्ट्री से ऑफर्स की तो एक्ट्रेस बनने का ऑफर तो उन्हें पहले ही मिल चुका था सलमान खान से। जी हाँ, उनकी मॉम शर्मिला टैगोर को सलमान खान ने कहा था कि अगर सोहा अली खान इंडस्ट्री में डेब्यू करना चाहती है तो सलमान खान उसे सपोर्ट जरूर करेंगे, लेकिन तब सोहा अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देना चाहती थी इसीलिए उन्होंने सलमान के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। ताजुब की बात है कि हमारी इंडस्ट्री के एक सुपरस्टार खान तो सोहा अली खान को इंडस्ट्री में लाना चाहते थे और दूसरे सुपरस्टार खान यानी कि शाहरुख खान की वजह से सोहा अली खान का डेब्यू अटका था। डेब्यू अटकना, पहली फिल्म फ्लॉप होना, सोहा अली खान ने वो सब गलतियां की थी जो एक न्यू कमर बॉलीवुड में आते ही करता है। उसके बाद प्यारे मोहन, शादी नंबर वन, सोहा अली खान अब मल्टी स्टारर फिल्मों में काम कर रही थी जबकि वो आई थी बॉलीवुड में एक लीड एक्ट्रेस बनने। इनफैक्ट उनकी मॉम भी लीड एक्ट्रेस रह चुकी थी और अगर बात करें उनके भाई की तो उन्होंने भी मल्टी स्टार कास्ट वाली फिल्मों से ही अपने करियर की शुरुआत की थी और यही कुछ अब सोहा अली खान के साथ भी हो रहा था। इसी दौरान सोहा अली खान को फिल्म ऑफर की राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने। ये फिल्म थी रंग दे बसंती। ये फिल्म भी मल्टी स्टार कास्ट फिल्म थी लेकिन इस फिल्म में सोहा अली खान का रोल भी काफी दमदार था। ये फिल्म क्रिटिकली अक्लेम फिल्म थी, बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्मों में इसे गिना जाता है। साथ ही सोहा अली खान के करियर में ये फिल्म एक माइलस्टोन साबित हुई। सोहा अली खान जिसे अभी तक इंडस्ट्री में बच्चा समझा जा रहा था, ऐसा कहा जा रहा था कि ऐसे ही एक्ट्रेस बनने आ गई है क्योंकि उनके लुक्स उनकी मॉम से मिलते हैं, एक्टिंग कुछ आती नहीं है, उसी सोहा अली खान ने इस फिल्म से प्रूव कर दिया था कि वो एक सीरियस एक्ट्रेस है। इनफैक्ट इस फिल्म के दौरान सोहा अली खान एक बंगाली फिल्म की शूटिंग कर रही थी अंता महल, इसके अलावा वो शादी नंबर वन की भी शूटिंग कर रही थी और इन तीनों फिल्मों में सोहा अली खान के कैरेक्टर्स एक दूसरे से अलग थे। ऐसे में अपने आप को हर फिल्म के हिसाब से कैरेक्टर में ढालना एक बेहतर एक्टर ही कर सकता है, जो कि सोहा अली खान ने करके बताया। रंग दे बसंती फिल्म ने सोहा अली खान के करियर को ही पलट दिया और उनकी किस्मत चमका दी और इसी फिल्म से उनकी मुलाकात हुई सिद्धार्थ से। जी हाँ, इस फिल्म के साथ ही सिद्धार्थ और सोहा अली खान एक दूसरे के करीब आ गए। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और ज्यादा से ज्यादा टाइम एक साथ स्पेंड करने लगे। कहा गया कि सोहा अली खान के लिए ही सिद्धार्थ मुंबई में ही शिफ्ट हो गए उनके साथ रहने के लिए और उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए। सोहा अली खान जहां अपने इस अफेयर को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश थी और वो चाहती थी कि अगर हमारे बीच में कुछ रिलेशनशिप है तो इसको छुपाने से क्या मतलब है। वहीं अगर बात करें सिद्धार्थ की तो वो ऑलरेडी मैरिड थे और वो तब अपनी वाइफ से सेपरेट होकर रह रहे थे, यही कारण था कि वो सोहा के इस रिलेशनशिप को पब्लिकली मान ही नहीं रहे थे और एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे और यहीं से सोहा अली खान को डाउट होना शुरू हो गया। सोहा अली खान का मानना था कि अगर हमारे बीच में कुछ है तो उसे एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है। सोहा इस चीज को लेकर बहुत कूल थी लेकिन सिद्धार्थ इस चीज के लिए तैयार नहीं थे, यही कारण था कि कुछ सालों तक एक साथ रहने के बाद ये दोनों अलग हो गए। रंग दे बसंती के बाद इंडस्ट्री ने सोहा अली खान को अच्छे ऑफर्स देना शुरू कर दिया। वो राकेश ओम प्रकाश के साथ काम कर चुकी थी और अब काम कर रही थी सुधीर मिश्रा के साथ फिल्म खोया खोया चांद में। ये वो टाइम था जब सोहा अली खान की फैमिली के दो लोग इंडस्ट्री में नाम कमा रहे थे। सोहा तो अपने करियर में अच्छा कर ही रही थी, वहीं अगर बात करें सैफ अली खान की तो उन्हें स्ट्रगल करते हुए बॉलीवुड में बहुत टाइम हो गया था और ये 2003-04 के बाद उनकी किस्मत भी चमकने लगी थी। इनफैक्ट जिस साल सोहा अली खान की रंग दे बसंती आई थी
उसी साल सैफ अली खान की फिल्म आई थी ओमकारा, जिस फिल्म को सैफ अली खान के करियर की भी माइलस्टोन फिल्म माना जाता है। 2008 में सोहा अली खान हमें नजर आई मुंबई मेरी जान में। ये फिल्म मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट पे बेस्ड थी और इस फिल्म में काफी बेहतर एक्टर्स काम कर रहे थे। आर माधवन इस फिल्म का हिस्सा थे, साथ ही इरफान खान भी इस फिल्म का हिस्सा थे। ये फिल्म क्रिटिकली अक्लेम थी। इस फिल्म में सोहा अली खान की बहुत तारीफ हुई, लेकिन जैसा कि हमारे बॉलीवुड के साथ ऐसा होता है कि सीरियस फिल्मों को ज़्यादा ऑडियंस नहीं देखने आती है, यही कारण है कि इस फिल्म को एक्सपोजर ज़्यादा नहीं मिल पाया, लेकिन ये आज भी इंडस्ट्री की क्रिटिकली अक्लेम फिल्मों में मानी जाती है। 2008 में सोहा अली खान एक फिल्म कर रही थी, ये फिल्म थी ढूंढते रह जाओगे, और इसी फिल्म के दौरान उनकी मुलाकात हुई एक्टर कुणाल खेमू से। कुणाल खेमू और सोहा अली खान दोनों के नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। सोहा अली खान जो कि रॉयल फैमिली से आती है, थोड़ी रिजर्व नेचर की, इनफैक्ट वो अपने फिल्म के सेट पर भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मैगजीन के लिए कॉलम्स लिखा करती थी। वहीं अगर बात करें कुणाल खेमू की तो वो बहुत ही ईजी टू गो और बिंदास टाइप के इंसान थे। दोनों के बीच इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही प्यार क्लिक हुआ और इन दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। कहा गया कि सोहा अली खान और कुणाल खेमू एक दूसरे को इस तरह पसंद करने लग गए कि ये दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन में रहने लग गए। 2009 में इन दोनों के ब्रेकअप की खबरें आई थी, तब जब सोहा अली खान गोवा में थी और कुणाल खेमू सोहा अली खान के साथ गोवा गए थे टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन उन्हें पता चला कि सोहा अली खान वहां पर सिद्धार्थ के साथ है और तब इन दोनों के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। लेकिन बाद में सोहा का सिद्धार्थ के साथ फाइनली ब्रेकअप हो गया और फिर कुणाल खेमू के साथ सोहा अली खान ने अपनी एक नई जिंदगी शुरू की। 2009 में सोहा अली खान एक बार फिर से नजर आई एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड फिल्म तुम मिले में, जो कि मुंबई फ्लड्स पर आधारित थी। इस फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक रेस्पॉन्स मिला था, साथ ही फिल्म के गाने काफी सुपरहिट हुए थे। सोहा अली खान अच्छा काम कर रही थी, हमारी मेन स्ट्रीम एक्ट्रेसेस से थोड़ी अलग थी, यानी कि तड़क भड़क और ग्लैमरस रोल से हटकर वो एक दमदार परफॉर्मेंस देने में विश्वास रखती थी। यही कारण था कि सोहा अली खान के पास फिल्में तो थी, लेकिन जिस तरह के रोल्स वो करना चाहती थी उस तरह के रोल्स वंस इन अ वाइल ही आया करते थे, क्योंकि बॉलीवुड जाना जाता है ज्यादातर कमर्शियल फिल्में बनाने के लिए और सोहा अली खान वो एक्ट्रेस बन गई थी जो सीरियस रोल्स कर रही थी। ऐसे में सोहा अली खान को कई सालों बाद अपने लिए एक बहुत अच्छा रोल मिला फिल्म साहिब बीवी गैंगस्टर रिटर्न में। इस फिल्म में उन्होंने जिस तरह से रंजना का किरदार निभाया था, वाकई में वो किरदार फ्लॉलेस था। और सोहा अली खान कोई भी फिल्म करती है उनके साथ वो रॉयल वाली इमेज हमेशा नजर आती है, उनके किरदारों से, उनकी सादगी से और उनके ग्रेस से, जिस तरह से वो बात करती हैं, जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो सब देखकर लगता है कि सोहा अली खान एक रॉयल फैमिली का हिस्सा है। 2013 में सोहा अली खान नजर आई सैफ अली खान की होम प्रोडक्शन फिल्म गो गोवा गॉन में। इस फिल्म में कुणाल खेमू भी नजर आए। सोहा अली खान और कुणाल खेमू एक दूसरे के साथ लंबे टाइम से लिव इन में रह रहे थे और फाइनली ईयर 2015 में सोहा अली खान को कुणाल खेमू ने पेरिस में प्रपोज किया और वहीं पर उनसे सगाई कर ली। 2016 में इन दोनों ने शादी कर ली। पर शादी के बाद सोहा अली खान और कुणाल खेमू को शादी का गिफ्ट मिला अपनी मदर इन लॉ शर्मिला टैगोर से एक बहुत ही आलीशान फ्लैट मुंबई के पॉश एरिया में। शादी के बाद सोहा अली खान ने जहां एक्टिंग का पैशन तो शुरू रखा ही, इसके अलावा उन्होंने अपने एक और पैशन की शुरुआत कर दी, यानी कि राइटिंग की। सोहा अली खान को लिखना बहुत पसंद है, यही कारण है कि शादी के बाद जब उन्हें अपने हिसाब के रोल्स नहीं मिलते हैं, वो ऐसे ही सिर्फ दिखाने के लिए या हीरो के साइड में डांस करने के लिए मसाला फिल्में नहीं करना चाहती थी। उन्हें ऐसा लगता है कि इस तरह के रोल्स करने से अच्छा है कि घर बैठकर आप कुछ अच्छा लिखें। यही कारण था कि इसके बाद सोहा अली खान ने एक्टिंग के साथ साथ लिखना भी शुरू कर दिया। शादी के बाद जब सोहा अली खान को कुछ खास रोल्स ऑफर नहीं हो रहे थे, तब उन्होंने कुणाल खेमू के साथ मिलकर अपना एक प्रोडक्शन हाउस एस्टेब्लिश किया। पॉपुलैरिटी, फेमस, ये सिर्फ सोहा अली खान का ही मानना है, वरना एज एन एक्ट्रेस तो वो हर किसी से आगे है। नो डाउट कि जिस दिन सोहा अली खान को कोई सही कैरेक्टर मिल गया और कोई सही डायरेक्टर मिल गया,
उस दिन सुहा अली खान वाकई में प्रूव कर देगी कि वो अपनी फैमिली की एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस है, अपने भाई से अच्छी एक्ट्रेस, अपनी भाभी से अच्छी एक्ट्रेस, साथ ही अपने हस्बैंड कुणाल खेमू से और सारा अली खान से भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस, क्योंकि उन्होंने अपनी फिल्मों के थ्रू अपनी एक्टिंग को प्रूव किया है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में मसाला और कमर्शियल फिल्में ज़्यादा बनती है, यही कारण है कि सोहा अली खान जैसी एक्ट्रेसेस के लिए चॉइसेस ऑफ रोल्स बहुत ही कम हो जाती है और ऐसे में हम इन बेहतर कलाकारों को ज़्यादा फिल्मों में नहीं देख पाते हैं। सोहा अली खान भले ही अपने आप को मॉडरेटली फेमस मानती हो, लेकिन हमारा कहना है कि उन्होंने जो कुछ किया है अपने दम पे किया है और वो एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस है एंड वी होप कि हम सोहा अली खान को और ज़्यादा फिल्मों में देख पाएं। सोहा अली खान की कौन सी फिल्म, उनका कौन सा कैरेक्टर आपको बहुत पसंद है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और पर्सनैलिटी की लाइफ और करियर एनालिसिस के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।